चलिए बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर लखनऊ से, जहां 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। G20 समिट का 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है लखनऊ में चल रहा है और उसका आज दूसरा दिन है। सम्मेलन का दूसरा दिन आज है G20 सम्मेलन का। साइबर क्राइम सहित कई विषयों पर आज मंथन होगा। 19 देशों के प्रतिनिधि ऐतिहासिक स्थलों का अभी जो है भ्रमण करेंगे। काफी बड़ा दिन आज माना जा रहा है लखनऊ के लिए, क्योंकि दूसरा दिन है और लगातार जो है विदेशी मेहमान यहां पर आ रहे हैं और वो काफी ज्यादा दिलचस्पी भी लेते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के अलग अलग ऐतिहासिक धरोहरों का भी जो है भ्रमण करेंगे। विशेष बसों से शहर के ऐतिहासिक धरोहरों का जो है दीदार करेंगे। आज जो है लखनऊ की खूबसूरती ही नहीं, मैं यानी उत्तर प्रदेश की खूबसूरती का जो है विदेशी मेहमान जो G20 समिट में आए हैं, वो खुद अपनी आंखों से उसका दीदार करने वाले हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात भी ला सकता है कि इन्वेस्टर्स जो है वो इंटरेस्ट ले लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमें जैसा पता है उत्तर प्रदेश खुद ही जो उत्तर प्रदेश की धरोहर है वो खुद में ही एक बहुत बड़ा महान जो है अपना वर्चस्व रखती है। तो काफी बड़ा दिन आज माना जा रहा है। G20 समिट का दूसरा दिन है, 3 दिवस का एक कार्यक्रम है जिसमें आज खुद विदेशी मेहमान जो है दीदार करेंगे उत्तर प्रदेश की धरोहरों का। आपको बता दें पर्यटन विभाग की गाइड प्रतिनिधि को शहर के इतिहास से जो है रूबरू कराएंगे। रेसिडेंसी में मेहमानों के लिए विशेष सेल्फी पॉइंट भी तैयार किया गया है। तो हर एक एंगल को ध्यान में रखते हुए ये चीजें चल रही है। सिस्टमैटिक तरीके से गाइड भी रखा गया है जो उन्हें सारा कुछ दिखाए, सारी जगहों का खुद निरीक्षण कराए, साथ ही आकर्षण के केंद्रों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं।